हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हैं हम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ से हम जाने वाले हैं मालदीव। ये हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। आज के इस वीडियो में हम मेनली ये कवर कर लेंगे कि वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, वीज़ा ऑन अराइवल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यहाँ से इमिग्रेशन में क्या प्रोसेस है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें भी कुछ पता नहीं है। और मुंबई का एयरपोर्ट कुछ ऐसा आप देख लो। मुंबई से माले पहुंचने में एक्चुअली हमें 3 घंटे लगेंगे, और माले पहुंचने के बाद कुछ वेटिंग टाइम भी हो सकता है क्योंकि हमने दूसरे आइलैंड पे जाना है और वहां से जाने में मे बी 45 मिनट्स to 1 आवर लग सकता है। बट उसके अलावा वेटिंग टाइम भी हो सकता है क्योंकि कि कोई और फ्लाइट से पैसेंजर्स आ सकते हैं या फिर उस रिजॉर्ट के जो और कस्टमर्स हैं वो किसी और फ्लाइट से आ सकते हैं, तो इसकी वजह से कुछ जो वेटिंग टाइम है वो वहाँ पे 1 आवर से 2 आवर्स भी हो सकता है। मतलब होटल रिजॉर्ट पहुँचते हमें फ्लाइट तो लैंड करेगी 1 बजे, लेकिन होटल रिजॉर्ट पहुँचते मे बी शाम का 4 बज सकता है। ये हमें एक्चुअली कम्युनिकेट कर दिया गया है कि आपके पहुँचने के बाद भी वेटिंग टाइम हो सकता है, तो लेट्स सी अब हम जब पहुँचेंगे वहाँ पे तो कैसा रहता है, सब कुछ हम बताएंगे आपको। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है पासपोर्ट, उसके अलावा तो हम यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, तो पासपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आता है इमोगा फॉर्म, और ये जो फॉर्म है ये आई थिंक ट्रैवल डिक्लेरेशन काइंड ऑफ फॉर्म होता है। हाँ। जहाँ पे आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, माले कहाँ पे रुक रहे हो, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, फ्लाइट नंबर क्या है, कम्प्लीट डिटेल भरना पड़ता है और ये मैंडेटरी होता है। और ये विद इन 96 आवर्स आपका जो भी टाइम है फ्लाइट का उसके विद इन 96 आवर्स में आपको फिलअप करना होता है। हाँ। जैसे हमारे इंडिया के लिए एयर सुविधा है वैसे ही माले के लिए इमोगा फॉर्म होता है। और हमने ये मतलब हमारी फ्लाइट आज है तो हमने इसको 2 दिन पहले फिल कर दिया था। मतलब वैसे तो आप सेम डे भी कर सकते हो, बट वो सही मतलब तरीका यही है कि आप थोड़ा पहले करके रख लो, मतलब ज़्यादा पहले भी नहीं, मतलब एटलीस्ट 48 आवर्स पहले तो आप करके रखें सेफ साइड के लिए। हाँ, उसके बाद थर्ड चीज़ ये लगती है फोटोग्राफ। हाँ, फोटोग्राफ लगता है, पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, और लगता है होटल रिजर्वेशन का एक प्रिंट आउट, मतलब हम जिस भी रिजॉर्ट पे कंफर्म होटल रिजर्वेशन का जहाँ पे रुके हैं वहाँ का प्रिंट आउट चाहिए। और डॉलर भी रखना पड़ता है इन कैश, मिनिमम $50 per head और पर डे भी। तो आप मान लो 3 दिन के लिए जा रहे हो तो आपके पास $150 होना चाहिए पर हेड इन कैश। तो फाइनली हमारा यहाँ पे ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिलेगा और उसके बाद हम जाते हैं इमिग्रेशन हॉल में। तो इमिग्रेशन हॉल कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, आपको किसी भी एक काउंटर पे जाना है और वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगा कुछ इस तरह का। उसके बाद आप सीधे जैसे ही आपका इमिग्रेशन कंप्लीट होता है आपका ड्यूटी फ्री एरिया स्टार्ट हो जाता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ड्यूटी फ्री एरिया मतलब आप यहाँ से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। अभी हम जा रहे हैं लॉयल्टी लाउंज में, हमारे फ्लाइट को अभी 2-3 घंटे का टाइम है तो हमने सोचा कि कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। तो लाउंज कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स है, आप यहाँ पे आराम से 2-3 घंटे तक आराम कर सकते हो और बफे वगैरह ले सकते हो। तो चलो देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या है। तो यहाँ पे हमें क्रोसेंट्स, ब्रेड बटर एंड पाव सैंडविचेस दिख रहे हैं, आई थिंक अच्छे ही होंगे। और बेवरेजेस वगैरह में जूस है, कॉर्नफ्लेक्स को कर्ड है, और यहाँ पे आप अल्कोहल भी ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब आपके एंट्री फी में ही वो इंक्लूडेड होता है। टी, कॉफ़ी, नॉन वेज वेज सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ से। फाइनली वी हैव अराइव्ड माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की ओर। ये है माले एयरपोर्ट का अराइवल एरिया, आप जैसे ही गेट से एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर दिख जाएगा। जैसे हमने मुंबई में कराया था सेम सिस्टम यहाँ पे भी है, आपको लाइन में लगना है और आपको अपने टर्न का वेट करना है और फिर आपको अपना पासपोर्ट देना होता है। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो वो आपसे पूछ लेंगे, अदरवाइज़ आपके पासपोर्ट पर वीज़ा ऑन अराइवल का स्टैम्प लग जाता है। इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमें अपना बैग कलेक्ट करना होता है और उसके बाद आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर सकते हो।
जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हो तो आपको देखने को मिलता है इंडियन ओशन। देख के पता चल जाएगा कि हाँ आप एक आइलैंड पे आ गए हो। और यहाँ पे इन्होंने ब्यूटीफुल मालदीव लिख रखा है, ये एक बहुत ही फेमस फ़ोटो पॉइंट है, आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। हमने भी कुछ लिया है, अगर आपको देखना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको रील्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। गाइज दिस इज़ आवर बीच विला। एक्चुअली हम 3 नाइट्स का पैकेज लिया है हमने, तो फर्स्ट डे हमें मिला है बीच विला, और जो हमारा सेकेंड एंड थर्ड डे है उसमें हमें मिलेगा वाटर विला। तो ये है कुछ रूम हमारा, ऐसा बेड वगैरह काफ़ी अच्छे से सजा रखा है एंड इंटीरियर भी अच्छा है। अगर रूम के बारे में बात करें तो या इट्स गुड, दिस इज़ द व्यू, दिस इज द मेन थिंग। वाओ, यहाँ से डायरेक्ट आप बीच को एक्सेस कर सकते हो। ये रहे वहाँ पे वाटर विलास। अरे मैडम आइए, और क्योंकि हमारा लंच मिस हो गया था तो इन्होंने कुछ तो स्नैक्स का इंतजाम करके रखा है यहाँ पे। यहाँ से डायरेक्ट बैक डोर है बीच का, अगर आप आते हो बीच से और सॉल्टी वाटर शावर लेना है आपको तो आप डायरेक्ट शावर ले सकते हो, ठीक है। नाउ दिस वाज द बाथरूम टूर। रूम टूर तो हमने ऑलरेडी दे दिया एंड यहाँ पे छोटा सा मिनी बार भी है, ये भी देख लो, बट ये चार्जेबल होता है, चार्ज रेड कार्ड यहाँ पे है, जो भी आप लोगे लास्ट में जब आप चेकआउट करोगे तो वो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको बिल चार्ज करते हैं। तो गाइस ये था छोटा सा रूम टूर, और अभी हम बात कर लेते हैं इमिग्रेशन के बारे में। जब हम माले पहुँचे तो हमारे साथ इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या हुआ, वीज़ा ऑन अराइवल में क्या क्या हुआ। तो गाइस जैसा कि उनके प्रोसेस में लिखा हुआ उनके वेबसाइट पे, और मैंने भी जो यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह किया था कि वो कंफर्मेशन बुकिंग मांगते हैं, रिटर्न टिकट भी पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि आपके पास यूएस डॉलर्स है कि नहीं है, और फोटोज़ वगैरह भी मांगते हैं। तो हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत क्विकली विद इन लाइक 30 सेकेंड में उन्होंने स्टैम्प डाला और हमें बोल दिया इमिग्रेशन कम्प्लीट। ये था इमिग्रेशन प्रोसेस, और उसके बाद हमने स्पीड बोट का एयरपोर्ट पे वेट किया अराउंड 1 आवर। नहीं, 1 आवर से बहुत ज़्यादा, हाँ लगभग 1.5 चलो मान लो 1.5 घंटे तक, और फिर हम अपने रिजॉर्ट पे आ गए। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 3 दिन का पैकेज है, और फर्स्ट डे हमें बीच विला मिला है और बाकी के 2 दिन हमें वाटर विला मिलेगा। तो रिजॉर्ट का टूर हम अगले पार्ट में देंगे, पार्ट 2 में। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमने वीज़ा इमिग्रेशन प्रोसेस ये सब डिटेल में बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी बता दिया, और कल के जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम ये देखेंगे रिजॉर्ट कैसा है, रूम टूर कंप्लीट और अच्छे से देंगे, बफे वगैरह दिखाएंगे, और हमने ये कैसे बुक किया है सब कुछ और बाकी डिटेल्स में देखेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।